थ्योरम 2.4 का 3 वाला पार्ट उनसे सवाल करें ना, वो तो पार्ट में देख रहा हूँ, आपको नजर भी आ रहा होगा, सवाल करें, सवाल करें। इस थ्योरम के जो प्रूफ की समझ नहीं आई कि सर उन्होंने इस थ्योरम में चार्मर थ्योरम भी यूज किया हुआ और लीनियर कॉन्ग्रेंसी भी यूज की हुई है, सर हमने नहीं पढ़ा तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि इसमें चाइनीज इन्वर्टर थ्योरम यूज किया हुआ है प्रूफ में। अच्छा चलो, इसको आप पेंडिंग कर दें जब तक आप जो है आगे जाके ये चीजें पढ़ नहीं लेते, ठीक है? ओके सर। ये कोई मतलब इशू नहीं है, जब आप ये चीजें पढ़ लेंगे फिर आप इसका प्रूफ आसानी से समझ पाए। स्टेटमेंट आपको समझ आ गई है सर? एक बार समझा दें। सॉरी हेलो जी सर, स्टेटमेंट एक बार समझा दें। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंट है MI मॉड में, M1 M2 M3, तो ये उसी वक्त पॉसिबल है इफ एंड ओनली A is congruent to B mod M, where M is LCM of all these numbers, जितने भी MI हैं, इनका LCM है। कहते हैं LCM के अबाउट congruent होंगे, तो हर M के अबाउट congruent होंगे, और अगर M के अबाउट congruent होंगे, तो LCM के अबाउट congruent होंगे। 42, 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
बहुत बड़ी बड़ी चीजें यूज नहीं की. नोट दैट इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी देन एम आई डिवाइड्स ए माइनस बी, क्योंकि हर एम आई एम को तकसीम करता है. इसलिए एक साइड तो बड़ी ट्रिवियल सी है कि अगर आपके पास ए इज कॉन्ग्रूएंट टू बी मॉड एम हो, यानी एम तकसीम करता हो ए माइनस बी को, तो एम आई भी तकसीम करेगा ए माइनस बी को. कन्वर्सली इफ एम आई डिवाइड्स ए माइनस बी फॉर ईच आई, देन ये हमने प्रूव करना है कि इनका एलसीएम जो है वो ए माइनस बी को तकसीम करता है. अब गौर करने की बात है कि अगर हर एम आई ए माइनस बी को तकसीम करता है, तो हम एम की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पी वन पावर के वन, पी टू पावर के टू, पी आर पावर के आर, ये उसने लिख इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एम. देन द कॉन्ग्रुएंस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम इज इक्विवेलेंट टू द सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रुएंस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड पी आई के आई. प्राइम के लिए ये उसमें लिखा है. ये जो पार्ट है आपको इफ के बाद वाला, ये आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद समझ आ जाएगा, ठीक है. लेकिन इसने चाइनीज इस रिमाइंडर थ्योरम को यूज नहीं किया, बल्कि उसने बताया कि आगे जाकर हम जो चीज पढ़ेंगे उसमें हम इसका नाम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम रखेंगे. इस तरह की कोई चीज होगी जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के जरिए हम इसको मजीद सिंप्लीफाई फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं. ये नहीं कहा कि ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इस्तेमाल होकर प्रूव हुआ, ठीक है. तो ये हो जाएगा बेटे, आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे. फिलहाल तो जो हमने पढ़ा है उसमें से अगर आपके कुछ सवाल है वो भी कर ले. जी कौन? जी बेटे, एक तो वाजे क्लियर आवाज होनी चाहिए. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही तल्हा, आप बताएं. पेज नंबर बोले. पेज नंबर 53. 53 जी बताएं क्या है 53 पे. तो यहाँ से ये लाइन समझ आई कि कह रहा है कि इफ अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है मोड एम के, तो देन बी इज कार रेसिड्यू ऑफ अ मॉड्यूलर एम. ये लाइन समझ नहीं आई. होल्ड करें जरा बेटा, मैं आपको
जी बेटे, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। जी बेटे, एक सवाल कर रहे था बच्चा, वो प्लीज सवाल करे अपना। यस सर आ रही है। एक क्वेश्चन कर रहा था कोई बेटा, वो बताए। जी सर मैं था सर, पेज पे ही हूँ, इस लाइन पे जाना है। ये मैं 53 पेज पे ही हूँ। मैं कर रहा था जी, 53 पेज पे ही हूँ बेटे, बताएं क्या क्वेश्चन है। सर ये जो सेकंड पैराग्राफ है, तो सेकंड पैराग्राफ की समझ नहीं आई। सेकंड पैराग्राफ कौन सा है? सही है, ये लाइन समझ नहीं आ रही। पैराग्राफ समझ सही है, यहाँ लिखा है कि सर इफ ए इज कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम देन बी इज पार्ट अ रेसिड्यू ऑफ मॉड्यूलो एम। तो ये वाला पैराग्राफ नहीं समझ आ रहा। ये कहाँ लिखा सर? नोट से ऊपर है सर, ये नोट से ऊपर है, जहाँ पे नोट स्टार्ट हो रहा है ना उससे ऊपर। नोट से ऊपर वाला पैराग्राफ आप बताए ना बेटे, 2.1 डेफिनेशन में है दूसरा पैराग्राफ। जी सर, वो यही पूछ रहा है कि इफ ए कंग्रेंट बी मोड एम देन बी इज कॉल्ड रेसिड्यू ऑफ मोड एम। जी सर यही। अच्छा ये पूछ रहा है, नाम रखा है बेटे रेसिड्यू किसे कहते हैं, अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मोड एम है तो हम बी को ए का रेसिड्यू कहेंगे मोड एम, बस ये कहा। और अगर ये अगर ये बी जो है बिटवीन 0 and m-1 आ जाए तो ये लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू होगा। सर एक थ्योरम नंबर 2.2 का पार्ट 3। थ्योरम नंबर 2.2 का पार्ट 3 समझ आ रहा है। 2.2 का पार्ट 3, if a is congruent to b mod m and c is congruent to d mod m then a plus c is congruent to b plus d mod m। isme usne ye kaha hai ki agar a aur b congruent ho, c aur d congruent ho, inke sum jo hai a aur c ka sum, b aur d ka sum aur inke differences jo hai wo bhi congruent ho, ye kaha hua hai। इसे प्रूव कैसे करेंगे सर जी? ये तो समझ आ गया कि ए कॉन्ग्रेंट है बी का और सी कॉन्ग्रेंट है डी का। सर जी इसको प्रूव कैसे करेंगे सर? दो तीन दफा ट्राई किया, नहीं हो रहा मेरे से। नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा ये बताएं बेटे, अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड एम है तो एम तकसीम करेगा ए माइनस बी को, हाँ या ना? हेलो, यस सर आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ए कॉन्ग्रेंट टू बी है तो एम तकसीम करेगा ए माइनस बी को, हाँ या ना? यस सर। इसी तरह अगर सी कॉन्ग्रेंट टू डी मॉड एम है तो एम तकसीम करेगा सी माइनस डी को, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब हमने प्रूव क्या करना है, ए प्लस सी इज कॉन्ग्रेंट टू बी प्लस डी। ओके यस सर। अगर हमने ये प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि एम तकसीम करेगा ए प्लस सी माइनस बी माइनस डी को। Yes, तो आप इन दोनों कॉन्ग्रुएंट में देखें, m डिवाइड्स a माइनस बी एंड m डिवाइड्स c माइनस डी। तो अगर दो नंबर्स को m तकसीम करता है तो उनके सम को भी तकसीम करेगा या नहीं? यस सर। तो a माइनस बी जमा c माइनस डी का सम आ सकता है a प्लस सी माइनस इंटू बी प्लस सी या बी प्लस डी, आ सकता है या नहीं? आ सकता है, लेकिन सर जी ये कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन है कि कॉन्ग्रुएंट ए बी का कॉन्ग्रुएंट ए सिर्फ ए की शर्त पे होगा कि एम डिवाइड करेगा ए माइनस बी को, इसके अलावा एक मिनट, एम डिवाइड्स, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ मुझे उसका जवाब दो, ए माइनस बी, हाँ या ना? यस सर। एम डिवाइड्स सी माइनस डी, हाँ या ना? यस सर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये दो नंबर हैं
जिनको एम तकसीम करता है, एक ये है और एक ये है, तो क्या एम तकसीम करेगा इन दोनों नंबर्स के मजमूए को? ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी करेगा या नहीं, ये बताएगा? तो करेगा, बस यही पूछ रहा हूँ। आप सिर्फ अपना जहन अभी ना थोड़ा है, कि अगर समझ नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप सिर्फ आंसर कर। इसका मतलब है एम तकसीम करेगा ए प्लस सी माइनस बी प्लस डी, हाँ या ना? यस सर। अगर एम तकसीम करेगा क्या मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एम, लिख सकता हूँ या नहीं? yes, यही प्रूव करना था। अगर सर और है क्या नंबर पहले पहले बाद में कोई और सवाल डिस्कशन हो रही होती है तो पहले बताएं जो मैंने लिखा बताया है ये समझ आया है या नहीं आया? आ गया समझ, आ गया समझ। पहले हाँ पहले ये सोचा करें कि जो बात हो रही होती है उसको पूरा करें फिर किसी और बात पे जाएंगे। ये समझ आ गया? यस सर। अब मेरे कुछ सवाल आते हैं आपसे जो तो जरूरी नहीं आप ना उसको सही आंसर करें, कोई बात नहीं, बस सिर्फ आंसर करें। मेरा सवाल बेटे आपसे ये है, आप कह रहे हैं कि सर ये बहुत मुश्किल प्रूफ था, मुझसे नहीं हुआ और मैंने देखा है मुझे समझ नहीं आ रही, कहा है ना आपने? यस सर। बताएं इन स्टेप्स में कहां आपको मुश्किल लगी? सही समझ आया, फिर मैं कंफ्यूज हो रहा था, ये फर्स्ट स्टेप है ना, इससे आगे भी समझ आ रहा था करना क्या है। फर्स्ट स्टेप में यस, ये सेकंड स्टेप नहीं समझ आ रहा था, यहाँ से ये वाला। यस सर, अब समझ आ गई है इसकी। तो अब समझ आ गई है? यस सर। एक बात और जेब में रखें कि जितने भी प्रूफ हम करेंगे ना यहाँ इस थ्योरम में वो बाय डेफिनेशन ऐसे ही होंगे, कोई भी प्रूफ हम उठाएं वो इसी तरह होगा बाय डेफिनेशन। यस सर। माइनस वाला प्रूफ भी ऐसे ही होगा, प्लस वाला भी ऐसे ही होगा। ओके जी, कोई सवाल है किसी को बताइए सर। और थ्योरम नंबर 2.3 का पार्ट 3 है जी, 3 पार्ट हमने पेंडिंग किया होगा, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे जब हम सारे रिलेटेड थ्योरम बाकी जो पार्ट है। आगे जाके डिस्कस करें, वैसे मैं समझा देता हूँ कि ये कहे क्या है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है विद इंटीजर कोएफिशिएंट्स, इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो इंटीजर है, एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, तो एफ ऑफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एफ ऑफ बी मॉड एम। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है तो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी अगर है तो f of a is congruent to f of b mod m, ठीक है? Yes sir. Function values भी congruent to ये कह रहा है, अगर एक polynomial with integer coefficient, जी सर। ये जो 2.4 का part 3 है सर, ये by definition कर सकते हैं? 2.4 पार्ट 3 यस सर। बाय डेफिनेशन से क्या हो रहा है आपके? सर ये आप जो पहले जो थ्योरम किया है कि उसको क्या कहते हैं कि ये इसमें ये बयान किया गया ना कि ये कह रहा है कि अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम आई, आई है 1 to r, ये इस वक्त होगा जब ए कॉन्ग्रुएंट होगा बी मोड एम के, जिसमें एम इक्वल है मतलब एम वन एम टू एम सो एम आर का एलसीएम। इसमें ऐसे कर सकते हैं कि पहले एम वन के लिए इस्तेमाल कर लें फिर एम टू फिर इस तरह करके एम आर के लिए शो करवा दें कि जो ए कॉन्ग्रुएंट है बी मोड एम आई के, आई जो है वो 1 to r है।
अच्छा देखें, अगर इसमें सिंपल लॉजिक आप सही कह रहे हैं, ये यूज हो सकती है। मैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसी कर देता हूँ, वैसे ये आपको भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गौर करें। तीन नंबर है M1, M2, M3, ठीक है। M1 में A congruent to B है, M2 में भी A congruent to B है, M3 में भी A congruent to B है। Yes, sir. M1, M2 और M3 के LCM में भी A congruent to B होगा। ये है इस थ्योरम का मेन क्रक्स। Yes, ठीक है। अब फर्ज करें M1 तकसीम करता है A-B को और M2 भी तकसीम करता है A-B को और M3 भी तकसीम करता है A-B को, तो तीन नंबर है जो A-B को तकसीम करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये कॉमन मल्टीपल हो गया, A-B जो है वो कॉमन मल्टीपल हो गया। नहीं समझ आ रही? यस सर। अगर M1 भी तकसीम करता है A-B को, M2 भी तकसीम करता है A-B को और M3 भी तकसीम करता है A-B को, तो A-B कॉमन मल्टीपल हो गया। यस सर। हो गया ना। अगर ये कॉमन मल्टीपल है तो इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल तकसीम करेगा। यस सर। अगर इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल तकसीम करेगा तो स्मॉल m जो है इसको तकसीम करेगा। यस सर। ये इसका प्रूफ है, बस सिंपल से बाय डेफिनेशन। ये देखे ना, यहाँ तक प्रूफ खत्म हो जाता है। नजर आ रहा है आपको? यस सर। तो थर्ड पार्ट का प्रूफ, एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये बात खत्म। ठीक है ना, ये जो है इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये जो सारी चीज लिखी हुई है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि इससे और हम कौन से नतीजे निकाल सकते हैं। ठीक है। यस सर। ओके चलो, और कोई सवाल है तो कर लो। नो सर। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी बेटे, तो है सर जी, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की समझ नहीं आई, कारण वो बता दो सर कि क्या होगा। 53 कौन सी लाइन है सर? ये कंप्यूटर रिप्रेजेंटेशन वाला, सिंस डिवीजन बाय एम यील्ड्स एज नंबर 1 ऑफ 0 1 2 3, ये वाला प्रॉब्लम। देखो कंप्लीट रेसिड्यू जो है ये लिखा हुआ है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम, आप इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। ये होता क्या है ये पूछ रही है? जी सर। कंप्लीट रेसिड्यू ये होता है, ये जो सेट है, द सेट 0 1 2 3 M-1 इज एन एग्जांपल ऑफ अ कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मॉडल है। कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम एक सेट होता है जिसमें M से पीछे वाले इंटीजर्स पड़े हैं जो नॉन नेगेटिव है। मसलन M7 है तो इसमें पड़ा होगा 0 1 2 3 4 5 6। M अगर 11 होगा तो उसमें 0 से लेके 10 तक नंबर पड़े होंगे। जी सर। ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है, बेसिकली ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स होता है। किसी भी नंबर को से जब हम डिवीजन करेंगे तो उनके पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं, ये उसकी कलेक्शन है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। जी सर। ये क्लियर है? जी सर। ये एक सेट दिया हुआ है 10 4 7 3 2, ये कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मॉडल 5 में। अब आप देखेंगे इसमें तो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, 5 से बड़े नंबर भी आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं ना? अच्छा, 10 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आंसर क्या देगा, रिमाइंडर क्या देगा? तो 10 और 0 एक ही नंबर है मॉडुलो क्लासेस। आगे आ जाए, -4 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आप -5 से, यानी 5 को डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू क्या आएगा? 1। इसका रेसिड्यू 1 आ जाए, इसमें 1 आ गया माइनस फोर की जगह,
सेवन को डिवाइड करेंगे तो टू बाकी आएगा, उसकी जगह क्या आ गया, टू आ गया ना। ठीक है, अब थ्री रिमाइंडर है, थ्री रहेगा। 24 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 रिमाइंडर देगा। 10 की जगह 0, माइनस 4 की जगह 1, 7 की जगह 2, 3, 4। तो ये 0, 1, 2, 3, 4 ही लिखा हुआ है, लेकिन उसके किसी न किसी सर जी आपकी आवाज कट रही है। जी बेटे, समझ आई आप लोगों को या नहीं? आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, वो नेट डिस्कनेक्ट हुआ थोड़ी देर के लिए। अब बताए, आपको समझ आई या नहीं आई? जी सर आ गई है। जी, और कोई सवाल है? नहीं। चलो, थ्योरम 2.2, 2.3 प्रूफ चले आप तो कर लेंगे। थ्योरम ये है 2.4। अगेन मैं चाहूँगा कि आप लोग प्रूफ की बजाय पहले कोशिश करें कि आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट सही तरह समझ आ चुकी हो, देन वी गो गो टूवर्ड्स अ प्रूफ। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि प्रूफ जो है वो हो। चले, इस थ्री पार्ट का एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि थ्री पार्ट का प्रूफ क्या है। अभी क्वेश्चन हुआ था ना बेटे? जी सर। यस सर। यस सर। तो वो कौन, किसने किया था क्वेश्चन, किसका प्रूफ कैसे होगा? चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से। हाँ, चले, अब आपको समझ आया ये प्रूफ समझ आया किसका कैसे होगा? यस सर। अगर नहीं है, इशू है, तो फिर मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। सर कर दे इसको डिस्क्राइब प्लीज। कर देते हैं, चलिए इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करवा ही देता हूँ। ठीक है, ये आपने मुझे साथ साथ बेटे बताना है और मैं आपसे जो है वो डिस्कस करता हूँ। लिखा हुआ है कि ए इज कॉम्पोनेंट टू बी मॉड एम आई इफ एंड ओनली ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम। ये लिखा हुआ है थ्योरम? जी सर। जी सर। ओके, अभी मैं आई जो है ना वो ले लूंगा सिर्फ तीन नंबर, 1, 2, 3। अब 4 हो 5 हो 6 हो, प्रूफ का तरीका एक ही रहेगा। बात समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, मैं पहला पार्ट करता हूँ। मैं अस्यूम करता हूँ, मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ और आपने मुझे बताना है कि जहाँ आपको समझना है। मैं अस्यूम करने जा रहा हूँ कि ये वाला ठीक है, ये वाली बात ठीक है, और मैं प्रूफ किसे करूँगा कि अगर ये वाली बात ठीक है तो ये जो ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉड एम, ये ठीक है। एम क्या चीज था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। किसका? पूरी बात करें ना, आधी बात ना करें। एम आई का सर। तमाम एम का, एम आईज का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। एग्रीड? यस सर। ठीक है। अच्छा, फर्ज करें ये ट्रू है, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम आई, ये ट्रू है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि एम आई डिवाइड्स ए माइनस बी। लिख सकता हूँ? जी सर। तमाम आई के लिए ये बात ठीक होगी, तमाम आई के लिए। ओके यस सर। इसका मतलब है एम वन ए माइनस बी को तकसीम करेगा, हाँ या ना? जी सर। यस सर। अच्छा, बात एम टू ए माइनस बी को तकसीम करेगा, हाँ या ना? यस सर। एम थ्री भी ए माइनस बी को तकसीम करेगा,
यस सर, इसका मतलब है कि a माइनस बी एम वन का भी मल्टीपल होगा, a माइनस बी एम टू का भी मल्टीपल होगा और a माइनस बी एम थ्री का भी मल्टीपल होगा। जी yes, सर, इसका मतलब है a माइनस बी जो है वो कॉमन मल्टीपल होगा m1 का, m2 का और m3 का। यस सर, ये बात नहीं yes. समझ आ रही तो पूछा जाए, सवाल करें। जी सर, आ रही। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ m1, m2 एंड m3। यस सर, लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे ये कि a माइनस बी is common multiple, is common multiple। नहीं समझ आया तो पूछो। आगे सर, अगर ये कॉमन मल्टीपल आगे तो हमारे पास एक थ्योरम है वो कहता है कि अगर ये कॉमन मल्टीपल है a माइनस बी तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसको तकसीम करेगा। याद है आपको ये? बिल्कुल सर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हर कॉमन मल्टीपल को तकसीम करता है। ये पढ़ा हुआ है या नहीं? पढ़ा हुआ जी सर। तो हम कहेंगे कि m जो है वो तकसीम करता है a माइनस बी को, क्योंकि a माइनस बी कॉमन मल्टीपल है। अगर ये बात ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि a जो है ये कॉन्ग्रुएंट है b के मॉड m। ओके यस सर, कोई सवाल है तो कर लो। कोई क्वेश्चन? अब मैं आऊंगा, मैं कहूंगा ये ट्रू है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m ट्रू है, ठीक है, और मैं इसको प्रूव करूंगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड m, सेकंड फेज ये है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा? आ रहे सर, आ रहे जी सर। तो ओके ओके, इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम देन एम डिवाइड्स ए माइनस बी। ओके जी सर, जी सर। बट जी, लेकिन ये बात भी आपको पता है या नहीं, एम आई डिवाइड्स एम, क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये दोनों बातें कलेक्टिवली आपको एक चीज देगी कि अगर एम आई एम को तकसीम करता है और एम ए माइनस बी को तकसीम करता है तो एम आई तकसीम करेगा ए माइनस बी को, हाँ या ना? फॉर ऑल या सर करेगा फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, फॉर ऑल आई, ऐसा है या नहीं? यस सर। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फिर ये चीज ट्रू है। Any question? Clear है सर? Clear है सर। अब ओके ठीक है, ठीक है, clear, ठीक है। तो ये हमारा ये theorem 2.4 था, इसका एक proof मैंने आपको करवा दिया। अब divisibility tests हैं, ये आपने जरूर अपने school life में पढ़े होंगे और ये जैसे दो से तकसीम करने का तरीका क्या है, तीन से तकसीम कब होगा, चार से कब डिवाइड कर सकते हैं, नंबर डिविजिबल बाय फोर होगा या नहीं, ये चीजें डिविजिबिलिटी टेस्ट में आती है, ठीक है? जी सर, जी सर। अब ये थ्योरम है, थ्योरम को पढ़ाने से पहले या इसकी स्टेटमेंट पे जाने से पहले चंद एक सवालात हैं, जिस तरह आप लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं मुझसे अच्छा है, उससे लर्निंग जल्दी होगी। मैं कुछ सवालात करूंगा, आपने मुझे बताना क्या 2, 4, 7 को मैं लिख सकता हूं। पहला सवाल मेरा ये है, क्या 2, 4, 7 को मैं लिख सकता हूं 200 + 40 + 7? जी सर, जी सर। ओके okay, क्या इसे लिखा जा सकता है 2 × 10⁻²⁴ × 10⁻⁷, हाँ या ना?
यस सर जी सर ओके इसको ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को हमने हमेशा यूज करना है इस थ्योरम में ये थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं इस थ्योरम में जो फॉर्म बार बार यूज होगी वो ये होगी यानी अगर 5, 4, 2 लिखा हुआ है तो हम इसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर क्या आनी चाहिए बताएं 2 वेरी गुड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 0 या सिर्फ 2 ओके जी सर ओके अच्छा इसी तरह 1 2 और 5 4 अगर लिखा हो तो फिर हम क्या करेंगे 1 के साथ कौन सी पावर मल्टीप्लाई होगी 10 की पावर 3 सर ओके मैं यहां पॉज ले रहा हूं और आ जाता हूं थ्योरम की स्टेटमेंट पर फॉर यहां देखें लेट a k into 10 raise power k plus a k minus 1 into 10 raise power k minus 1 and so on a 1 10 raise power 1 and a naught is a decimal expression expansion of a positive integer n इसको decimal expansion कहते हैं नहीं समझ आ रहा तो पूछो समझ आ गया आ गया सर तो ये decimal expansion है किसी भी positive integer की इसका एक नाम है decimal expansion ठीक है दस ए के जो पहली टर्म फर्स्ट आर द लीडिंग डिजिट सबसे पहला डिजिट वो एन का वो ये है ए के उसके बाद सेकंड लीडिंग डिजिट जो है वो ए के माइनस वन है और लास्ट डिजिट जो है वो ए नॉट ऐसे ही होता है जी सर अब आते हैं थ्योरम की तरफ अभी मैं आर नहीं लिखूंगा आर की जगह वन एन इज डिविजिबल बाय 2 पावर 1 if and only the number consisting of the last one digit of n is divisible by 2 yani ki aakhri digit jo hai a naught ye divisible by 2 ho to phir pura number 2 pe succeed ho acha okay. agar n is divisible by 2 power 2 means 4 divisible by 4 wo number honge jinke last two digit r 2 hai na agar hamare paas जी सर n is divisible by 2 power 2 if and only the last two digits of n is divisible by 2 power 2 yes sir agar aapne 4 se divisibility dekhi hai to aakhri do digits jo hai wo 4 se divide hote hain baat samajh aa rahi hai ye keh rahe the theorem aap yes sir acha agar aapne 2 power 3 means 8 se divisibility check karni hai तो n के आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 से तकसीम होते हैं यस सर अच्छा अगर आपने 16 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो थ्योरम कह रहा है कि आखिरी 4 डिजिट जो है वो 16 से तकसीम होते हैं यस सर ऐसा क्यों है थोड़ा सा आते हैं वापस अपनी स्लाइड्स की तरफ जहां आपको नंबर नजर आ रहा है 2 4 7 नजर आ रहा है 2 4 7 यस जी सर अच्छा अब मैं चेक करना चाहता हूँ क्या ये डिविजिबल बाय 2 है ये चेक करना है मुझे ठीक है तो इसका तरीका ये है एक्सप्रेशन के अंदर ये जो पार्ट इस पार्ट में ये हिस्सा हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगा हाँ या ना जी सर ये हिस्सा भी हमेशा डिविजिबल बाय 2 होगा जी सर इससे पीछे अगर मैं जाता जाऊं बड़ा नंबर बनाता जाऊं यूनिट थाउजेंड्स में हो या 10,000 में हो या 100,000 में हो वो सारे डिजिट्स जो है 2 से डिविजिबल होते हैं जी सर अगर ये भी डिविजिबल बाय 2 है ये भी डिविजिबल बाय 2 है तो चेक हमें सिर्फ आखिरी डिजिट करना होगा कि वो डिविजिबल बाय 2 है या नहीं जी सर नहीं क्योंकि पिछला सारा सम तो डिविजिबल बाय 2 है जी सर जैसे अगर कहा जाए कि a प्लस b प्लस c डिविजिबल बाय 2 है a डिविजिबल बाय 2 है b तो लाजमी है कि ये नंबर उस वक्त डिविजिबल बाय 2 होगा जब c भी डिविजिबल बाय 2 होगा जी सर यस सर बिल्कुल यानी अगर a भी इवन है b भी इवन है दोनों इवन है तो लाजमी है कि सम उस वक्त डिविजिबल बाय 2 होगा जब सी भी इवन हो जी सर यस
तो यहाँ पे ये नंबर हमेशा डिविजिबल बाय टू आएगा, चाहे यहाँ थ्री आ जाए, फाइव आ जाए, कोई चीज आ जाए, यहाँ थ्री लिखते हैं तब भी ये डिविजिबल बाय टू होगा, क्योंकि टेन पावर टू इज डिविजिबल बाय टू। यहाँ पे आप फाइव लिख दें तब भी ये डिविजिबल बाय टू रहेगा, क्योंकि टेन जो है वो डिविजिबल बाय टू। तो अगर ये भी डिविजिबल बाय टू टर्म है, ये भी डिविजिबल बाय टू टर्म है, तो आखिरी इसको चेक करना पड़ेगा कि ये डिविजिबल बाय टू है या नहीं। थ्योरम आपको ये बता रहा है। जी सर। अच्छा, अब ये डिविजिबल बाय फोर है या नहीं, ये कैसे चेक करेगा? थ्योरम क्या कह रहा है? वो कहता है फोर होता है टू पावर टू, होता है। आखिरी दो डिजिट को देखें कि वो डिविजिबल बाय फोर है या नहीं। जैसे यहाँ आ जाए 542 को, 542 टू से डिविजिबल है, क्योंकि इसका आखिरी डिजिट टू से डिवाइड होता है, होता है। यस सर। जी सर। अच्छा, अब इसका दूसरा डिजिट ये जो है, ये ओवरऑल 42, क्या 42 डिविजिबल बाय 4 है? नो no. नहीं है no, तो ये नंबर 4 से तकसीम नहीं होगा, ये जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा। जी सर। नहीं समझ आया तो पूछे। सॉरी, समझ आ गया। आ गया। अब मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 1942 15 और 24। अब ये नंबर डिविजिबल बाय टू है या नहीं, इसके लिए आखिरी डिजिट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नंबर है ओवरऑल 24, ये डिविजिबल बाय 4 है। Yes, sir. इसका मतलब ये नंबर 4 से भी डिवाइड हो। Yes, sir. ठीक है, तो एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, एक मिनट होल्ड कीजिए। ओके सर। जी बच्चे, क्लियर है आप लोगों को? जी सर। जी सर। ये थ्योरम क्या है? ये रहा है 2 की पावर्स का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दिखा रहा है। ओके जी सर। जी सर। जी सर। ओके ओके। अच्छा, इसी तरह 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया सेकंड पार्ट में आ जाए भी, जो भी हो। N is divisible by 3 if and only if the sum of the digits of N is divisible by 3. कब ये divisible by 3 होगा? जब इनका sum, digits का sum जो है वो divisible by 3 है। Yes sir. Okay. तो ये भी हम आगे प्रूव करेंगे कि ये कैसे होगा, ठीक है? Yes, n is divisible by 9 if and only if the sum of the digits of n is divisible by 9. ये 9 का क्राइटेरिया है। नीचे 11 का क्राइटेरिया है कि कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है। अगर हम अल्टरनेट सम ले लें, यानी पहला डिजिट पॉजिटिव के साथ दूसरा नेगेटिव, तो तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव एंड सो ऑन, ये अगर डिविजिबल बाय 11 होगा तो फिर सम ओवरऑल नंबर भी डिविजिबल बाय 11 होगा। समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। प्रूफ करवा जी सर। सर ये 40 से पूछे बेटे, क्वेश्चन पूछे। पूछे सवाल सर, टेन 11 का अल्टरनेटिव इसका बता दें, ये समझ नहीं आया। मैं वही बता रहा हूं, 247 क्या 11 से डिवाइड होता है या नहीं, अगर ये पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? 7 लिखेंगे, माइनस 4 करेंगे, प्लस 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 5 11 से तकसीम होता है? नो सर। नो सर। ये नंबर 11 से तकसीम नहीं होगा।
अब आ जाए 121 पे, 1 - 2 + 1 आंसर क्या आया? 0 ये नंबर 11 से तकसीम होगा क्योंकि 11 जीरो को तकसीम करता है, इसलिए ये नंबर 11 से डिवाइड हो। समझ आ रहा है? जी सर। 1, 2, 5, 3 ये नंबर तकसीम होता है या नहीं चेक करना है। 3 - 5 + 2 - 1 क्या आंसर देगा आपको? माइनस वन। तो ये 11 से तकसीम होता है? नो सर, नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो हमारे पास आया ये 11 से डिवाइड नहीं हो नहीं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं, ठीक है, या 5 को यहाँ 1 लगाने के बजाय यहाँ मैं 5 को 4 कर दूं, यहाँ 5 4 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ये जो नंबर है 1, 2, 4, 3 ये 11 से डिवाइड हो। जी सर। जी सर। 1, 2, 5, 3 नहीं होगा लेकिन 1, 2, 4, 3 11 से डिवाइड होगा। कुछ समझ आ रहा है या नहीं? या सर समझ आ रहा है। जी सर आ रहा है। ओके। तो अल्टरनेट सम का मतलब ये होता है। क्लियर हो गया? यस सर। ये इन थ्योरम्स की स्टेटमेंट है और इसका प्रूफ जो है ये शुरू करते हैं। पहला प्रूफ मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद देखेंगे और फिर मुझसे डिस्कस करेंगे अगर टीम भी रुकी हो। लेकिन याद रखें जैसे पहला प्रूफ होगा वैसे ही सारे होंगे। ओके सर। ओके सर। पहले प्रूफ को करवाने से पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कुछ सवालात और आप उसका अगेन मुझे आंसर करना, ठीक है? ओके सर। जी सर। जी सर। चलो ये बताएं 10 congruent to a mod 2 आंसर क्या देगा? a की वैल्यू क्या है? 5 सर। 5 10 minus 5 2 से डिवाइड होता है? नहीं नो सर। आपको क्या नो सर? 5 आएगी सर। किसी ने अपना स्पीकर ऑन किया हुआ है वो बंद कर ले। जी सर इवन नंबर्स आएंगे। कौन सा नंबर? 0 आएगा? यस सर। ए 0 हो सकता है। ओके जी। जी सर। 10 पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड 2 ये क्या है? 0 आएगा या नहीं? वेरी गुड। अच्छा इसी तरह 10 पावर 3 हो 4 हो 5 हो ये 0 आएगा। ये क्लियर है? अब आ जाए 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 2 पावर 2 व्हिच इज 4 ये क्या आ सकता है? बताएं सर। 2 सर। 2 2 आ सकता है। अब आ जाए 10 पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू a mod 4 क्या आ सकता है? 0 आ सकता है ना? 0 10 पावर 3 करें इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड 4 तो यहाँ भी ए 0 होगा। यस सर। पावर 4 होगी तब भी ए 0 होगा, पावर 5 होगी तब भी ए 0 होगा। ये समझ आ रहा है या नहीं? यस सर। जी सर। ओके अब ये बताएं 8 के लिए आते हैं, 10 का रिमाइंडर 8 मॉड में क्या आएगा? 2। 100 का क्या आएगा?
प्लस एक था एक लिमिट है 100 माइनस 4 इज डिविजिबल बाय 8 हां या ना यस सर है ना जी 12 8 सर ओके 10 पावर 3 रिमाइंडर क्या आएगा जीरो देख लो एक मिनट से 6 अच्छा 10 पावर 3 को आप ये तो लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2 लिख सकते हैं या नहीं यस सर अच्छा 10 वैसे लिखा रहने दें 10 पावर 2 का रिमाइंडर 4 होता है इसकी जगह इसका रिमाइंडर लिखते हैं और 10 मल्टीप्लाई बाय 4 40 होता है 40 का रिमाइंडर क्या आएगा जब 8 से तकसीम करेंगे तो 0 आएगा 0 है 0 0 है है क्या कह रहे सॉरी मुझे समझ नहीं है ये समझ आ रहा है कि 0 आएगा जी सर जी सर ओके 10 रेज पावर 4 इसका भी 0 आना चाहिए क्योंकि 10 पावर 3 का 0 है इससे बड़ी सारी पावर्स का 0 हो जाएगा ओके सर ये समझ आ गया सबको यस सर जी सर जी सर अब आते हैं 247 की तरफ मैंने आपको बताया था कि आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर क्या आना चाहिए 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 1 प्लस क्या आएगा 7 जब भी आपने 2 का क्राइटेरिया बनाना है तो आपने 10 की पावर की जगह उसका रिमाइंडर पुट करना है ठीक है यस सर जी सर 4 का क्राइटेरिया बनाना है तो भी 10 की पावर की जगह उसका रिमाइंडर पुट करना है 8 का क्राइटेरिया बनाना है यहां पे रिमाइंडर्स निकाले हैं ना पहले हां या ना यस सर यस वो पुट करने है इसकी जगह बस ये कह रहा ओके सर जैसे मैं पुट करता हूं 2 के क्राइटेरिया में 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 2 का रिमाइंडर क्या आया था 2 के केस में 0 यहां मैं 0 पुट कर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 10 1 का रिमाइंडर क्या आया था 0 0 तो प्लस 7 अब इसको सिंपलीफाई करें क्या आंसर देगा आपको 7 तो अगर 7 डिवाइड होता है 2 से तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा जी तो हमने क्या करना है थ्योरम के प्रूफ में जो 10 की पावर इन्वॉल्व होगी उसकी जगह उसका रिमाइंडर पुट कर देना सर ये 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 सर इसका रिमाइंडर 0 होगा सर मैं आपको 2 पढ़ा रहा हूं 4 पढ़ाऊंगा पहले 2 पे तो क्वेश्चन कर ले आगे ना जाया करें साथ नहीं सर उसी का ये पूछे मैं बताता हूं अगर 2 का पूछ रहे हो तो पूछे मैं बताता हूं सर इसी का पूछ रहा हूं कि 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 प्लस 7 किए तो आपने इस जगह पे 4 मल्टीप्लाई 10 का रिमाइंडर आपने 0 लिखा है 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा ओके सर ठीक है मेरा 0 आएगा सर मैं 4 का समझ रहा था ओके 4 तो वैसे ही लिखा हुआ है ओके सर अब आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ 2 के लिए एक नंबर है ए बी सी डी मुझे नहीं मालूम ए की वैल्यू क्या है बी की क्या है सी की क्या है डी की क्या है लेकिन मुझे ये मालूम है इसे मैं यूं लिख सकता हूं a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 3 प्लस आगे क्या लिख सकता हूं b मल्टीप्लाई 10 रेज पावर 2 10 रेज पावर 2 प्लस c मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर 1 प्लस d इसका जो आंसर आएगा अगर उसको 2 तकसीम करता है तो इस नंबर को तकसीम करेगा अगर इसको 2 तकसीम नहीं करता आंसर को तो नंबर को तकसीम नहीं करेगा ओके यस फिर वही काम शुरू करें a मल्टीप्लाई बाय
इसका रिमाइंडर क्या आएगा 10 इज पावर 3 0 0 प्लस b 0 इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 0 प्लस c इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 0 प्लस d वैसे के वैसे सिंपलीफाई करें आंसर क्या आया d इसका मतलब है d को तकसीम करेगा 2 तो फिर ए बी सी डी को भी 2 तकसीम करेगा जी सर समझ नहीं आई तो पूछो आगे से ओके ठीक है अब आते हैं 4 के क्राइटेरिया की तरफ 4 का क्राइटेरिया उसी तरह है जिस तरह 2 का था मेरे पास ए बी सी और डी नंबर है मैं इसको ए मल्टीप्लाई बाय 10 इस पावर क्या लिखूंगा बेटे बी 3 प्लस b multiply by 10 raised power 2 plus c multiply by 10 ऐसे जी जी सर plus जी सर d जी सर agreed or not जी सर जी सर okay यहाँ आ जाए 4 से 10 raised power 3 को divide करें तो remainder क्या आता है 0 यहाँ 0 put कर दें b मल्टीप्लाई बाय किससे करना चाहिए मुझे रिमाइंडर इसका क्या आएगा 4 0 100 को 4 से डिवाइड करें 0 रिमाइंडर आएगा 4 नहीं आएगा यस सर 0 जी सी 10 का रिमाइंडर क्या आएगा 2 सर 2 प्लस डी ये समझ आ गया जी सर जी सर जी सर आ गया 2 सी प्लस D. अगर इसको 4 डिवाइड करेगा तो इस नंबर को भी 4 डिवाइड करेगा okay, तो 4 का क्राइटेरिया क्या हुआ 2 सी प्लस डी यस सर समझ आ गया या नहीं समझ आ गया फिर आखिरी दो नंबर देख आ गया सर ओके अब एक तरीका ये भी सर, एक तरीका ये है एक तरीका और है वो भी मैं समझा देता हूँ जहां तक रिमाइंडर 0 आ रहे हैं वहां तक लिखें बाकी वैसे ही छोड़ दें ठीक है जहां तक रिमाइंडर 0 आ रहे हैं यहां तक आ रहे हैं ना 0 जी सर यहां लिखें इसको 2 लिखने की बजाय इसको 10 रहने दें अगर मैं 10 रहने दूं तो इसका आंसर आएगा सी डी सी जी सर 10th डिजिट होगा और डी यूनिट डिजिट होगा एग्रीड यस सर जी सर तो ये अगर इसको 4 तकसीम करता है तब भी इसको 4 डिवाइड करेगा या इसको 4 डिवाइड करता है तब भी इसको 4 डिवाइड करेगा दोनों में से कोई क्राइटेरिया लेना चाहे आप ले सकते हैं दोनों का मतलब सेम है एग्जांपल एक और कर लेते हैं 4 की 1 5 2 4 अब अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया सी क्या है 2 और डी क्या है 4 तो मैं 2 टाइम्स सी क्या है 2 प्लस 4 इसका आंसर निकालूं क्या आएगा जी 8 सर तब 4 इसको डिवाइड करता है यस सर जी सर इसको भी डिवाइड करेगा यस सर अच्छा दूसरा तरीका ये है आखिरी दो डिजिट क्या है वैसे ले लेने 24 है ना सी डी अगर इसको 4 डिवाइड करता है तो भी इसको डिवाइड करे जी सर इन दोनों क्राइटेरियाज में जो फर्क था वो मैंने इस एग्जांपल से आपको बताया ओके सर इज इट क्लियर यस जी सर और सर अगर जी सर एनएस के दो डिजिट्स अगर एन पे 0 आ जाए फिर भी 4 डिवाइड करेगा सर देखिए 0 आ जाए तब भी देखें जो सम आ रहा है क्या वो डिवाइड करता है 4 उसको करता है ना यस सर क्राइटेरिया तो वही रहा सी और डी की वैल्यू निकाले और भले 2 सी प्लस डी देख ले या जो मर्जी देख ले वो क्राइटेरिया वही है ओके यस यस ओके यहां आ जाए इट इज क्लियर दैट 10 रेज पावर जे इज इक्वल्स टू 0 mod 4 for j is greater than or equals to 2.
यानी 10 पावर 2 0 के इक्विवेलेंट, 10 पावर 3 0 के इक्विवेलेंट, 10 पावर 4 0 के, 10 पावर 5 0 के, 2 से बड़ी पावर 2 और 2 से बड़ी पावर सारी मॉड 4 में 0 देती, ये लिखा हो अभी आपने थोड़ी देर पहले ऑब्जर्व भी किया। यस सर। सो n इज इक्वल्स टू, जो n था क्या क्या था n हमारे पास, a के पावर 10 के, a के माइनस 1 पावर 10 के माइनस 1 एंड सो ऑन, यही था ना। जी सर। तो आखिर में वो कहता है बचेगा क्या आपके पास n, बचेगा ये, बाकी सारे 10 पावर 0 हो जाएंगे। यस जी सर। ये क्लियर है? यस सर। जी सर। अब इसको अगर सिंपलीफाई किया जाए तो आपके दो डिजिट बचते हैं, A1 और A0। यस। समझ आई सबको? यस सर। जी सर। तो ये अगर 4 से डिविजिबल है तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल। 8 के लिए आ जाए, 8 के लिए 10 पावर 3 0 होता है, 10 पावर 4 0 होता है, 10 पावर 5 0 होता है, तो बचेगा क्या a पावर 2, a 2 इनटू 10 पावर 2 प्लस a1 इनटू 10 प्लस 8 नॉट, आखिरी तीन डिजिट बचते हैं। जी आखिर तीन डिजिट अगर डिविजिबल बाय 8 होंगे तो सारा नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अब मुझे बताएं 8 से डिविजिबल का क्राइटेरिया, एक को आपने ये पढ़ लिया जो मैंने बताया अभी कि आखिरी तीन डिजिट डिविजिबल बाय 8 होंगे तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, ऐसे पढ़ा है ना? यस सर। अच्छा, ए बी सी डी ये हमने ऊपर लिखा हुआ ये वाला, अगर मैं 8 का क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ तो 10 पावर 3 का रिमाइंडर 0 हो जाएगा। यस सर। 10 पावर 2 का रिमाइंडर 4 हो जाएगा, ऐसा है या नहीं? यस सर। तो यहाँ 4 बी आ जाएगा प्लस 10 का रिमाइंडर 8 से डिवाइड करने से 2 आएगा। यस सर। जी सर। 2 सी आ जाएगा प्लस बी, वो ये नंबर अगर डिविजिबल बाय 8 हो तब भी वो नंबर ए बी सी डी जो है 8 से डिवाइड हो, मींस अगर 4 टाइम्स 5 प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस 4, इसका जो आंसर आएगा अगर डिविजिबल बाय 8 हुआ तो ये नंबर 8 से तकसीम होगा। बात समझ आ रही है? यस जी सर। 4 5 जा 20 प्लस 8 gives you क्या देता है 28। नहीं समझ आया कुछ है? 28 दिया वो भी 4 से डिवाइड, 8 से डिवाइड सेम होता है 28? नो सर। नो सर, नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब है 1 5 2 4 8 से तकसीम नहीं होगा। यस जी सर। किसी को समझ नहीं आया तो पूछे। आ गया सर। आ गया। अब मैं पूछता हूँ 1 5 0 4 8 से तकसीम होता है या नहीं, ये सवाल है। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, हमने एक क्राइटेरिया सीखा है कि 508 अगर 8 से तकसीम हो तो ये सारा नंबर 8 से तकसीम होगा। जी सर। होता है 1 9 2 1 9 1 5 0 4, ये नंबर सारा 8 से तकसीम होता है या नहीं, चेक करने का तरीका है आखिरी तीन डिजिट 8 से तकसीम होते हैं, या ये क्राइटेरिया देख लें या फिर ये देख लें 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 2 टाइम्स ऑफ दिस नंबर और ये नंबर वैसे 8 से तकसीम हो जाएगा। 4 टाइम्स ऑफ 5 क्या आएगा? 20 प्लस 0 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 4 क्या आंसर देता है? 24। क्या ये 8 से तकसीम होता है? जी सर होता है। इसका मतलब ये है ये 8 से तकसीम होता है। नहीं समझ आया तो पूछे। आ गया सर। ये है डिविजन्स के लिए टेस्ट, इसको आप पढ़ें
और इसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो करें। कल हमारा टॉपिक होगा लीनियर कॉन्ग्रुएंस, एक लेक्चर और इस वीक में ले लें, ठीक है? ओके, एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर।